बदलते भारत की शान। मेरी गर्दन का बहुत खराब हालत है सुमित, बहुत ज्यादा पेन हो रही है। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने स्पॉन्डिलाइटिस बताया। ये चित्र तुम कहां से देखकर बनाए हो ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम एक बात जान लो बेटी, प्राचीन कालों में ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की वहीं से ही योग का शुरुआत हुआ। आजकल के जमाने में हम लोग अपने शरीर के तंदुरुस्ती के लिए योगासन करते हैं। तुम्हारी दादी करती है, मैं करता हूं, मेरे साथ तुम भी करती हो, है कि नहीं सुंदर? इस ड्राइंग को कंप्लीट करो, इस पेड़ को कलर करो। स्मिता आओ ना बैठो। क्या हो रहा है अर्चना? बस वही फिजियोथेरेपी, और क्या? लेकिन फिजियोथेरेपी तेरे परमानेंट सलूशन नहीं है, इसके साथ साथ तू नियमित रूप से योगा भी शुरू कर दे। पता है, लेकिन नियमित रूप से योगा करने की टाइम कहाँ है स्मिता? करना पड़ेगा, एक औरत को अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए सोच कर ही स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो अगर बीमार रहेगी तो रिंकी का क्या होगा? अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे ना। बात तो तू सही बोल रही है। देखने में लगता है कि स्पॉन्डिलाइटिस एक बहुत छोटी सी बीमारी है, लेकिन ये एक साधारण बीमारी नहीं है। तुझे बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। अब हम औरतों की हालत ऐसी है कि ना हम नौकरी छोड़ सकते हैं और ना ही घर के दायित्व को छोड़ सकते हैं। आराम नाम की चीज तो हमारे जिंदगी में कभी कभी आती है, इसीलिए हमें और भी अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। समझी अर्चना? हाँ। ले लो ले लो। अभी हम खाएंगे पोटैटो फ्राई। लो लो। अरे तुम आ गए? हाँ। जल्दी जल्दी। अरे तुम्हारा वो गले का बेल्ट कहाँ गया? फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा है कि मुझे आज से बेल्ट की कोई जरूरत नहीं, और इसलिए मैंने आज से बेल्ट पहनना छोड़ दिया। इतना जल्दी क्यों? अरे उसे हमने सिर्फ 3 हफ्तों के लिए बुलाया था, अब मेरा बेड रेस्ट लेना 3 हफ्ते हो गए, समझा? अच्छा 3 हफ्ता हो गया। ये 3 हफ्ता कैसे चला गया मुझे पता ही नहीं चला। और ऐसे भी काल से मैं माँ जी और पिताजी के साथ योगासन शुरू करने जा रही हूँ। सच अर्चना, जब से मैंने बाबा के साथ योगा करना शुरू कर दिया है तब से मेरा बहुत सारा तकलीफें दूर हो चुका है। पहले मुझे ऑफिस से आते वक्त जितना थकान होता था
अब मुझे बिल्कुल थकान नहीं होता है। हाँ सुमित, हमारी लाइफस्टाइल के लिए ये योगासन बहुत जरूरी है। मुझे शायद ये बात समझने में थोड़ा देर लगी लेकिन देर आई दुरुस्त आई। और हमारे रिंकी गुड़िया, क्या तुम भी हमारे साथ योगा करोगी? पापा, मैं तो कब से योगासन कर रही हूँ। अच्छा सब नहीं होगा। लेकिन क्यों आंटी, और आप वहाँ अकेले थोड़ी ना होंगे, अंकल भी आपके साथ होंगे। रही बात योगा की, वो अंकल सिखा देंगे। बस 2 ही घंटे की तो बात है, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन सेंटर में सिखाना और ऑफिस में सिखाना दोनों अलग बात है। सेंटर में तो सब पड़ोसी के लोग आते हैं, हम सबको जानते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन तुम लोग के ऑफिस में हम किसी को नहीं जानते हैं, और ऐसे अचानक से। अरे आंटी जी, क्या आप मुझे नहीं जानते? क्या आप अर्चना को नहीं जानते? और रही बात जान पहचान की, आपको शायद पता नहीं कि हम योग दिवस ऑफिस में इसीलिए मना रहे हैं ताकि हम लोगों के बीच योग के गुणों के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सके। और आंटी जी, आपको तो पता ही है कि प्राइवेट नौकरी में कितना काम करना पड़ता है। बात तो तुम सही कह रही हो, हमें योगा के बारे में प्रचार करना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को योगा के गुणों के बारे में पता चले। जी अंकल, मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा, ठीक है ना बेटी? अंकल देखते जाइए, एक बार जब आप हमारे ऑफिस आ जाएंगे तो बाकी ऑफिसों में तो हलचल मच जाएगी। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अच्छा ही हुआ जो तुमने आज छुट्टी लेकर घर में रहने का फैसला ले लिया, वरना मैं तो घर में बैठे बैठे एकदम बोर हो गई हूँ। ना मैं कुछ काम कर सकती हूँ, ना कहीं बाहर जा सकती हूँ। इसीलिए तो बेड रेस्ट पे हो ताकि जल्द से जल्द ठीक हो सको। मेरा तो दिन कैसे बीता चला जा रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है। क्यों, तुम्हारा जिम का क्या हुआ? ऑफिस में इतना सारा काम होता है, उन सब से निकलकर फिर जिम जाना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब तुमने जिम जाने का फैसला बदल दिया? हाँ, ऐसा ही समझो। अच्छा, मैं भी ठीक होने के बाद योगा करने की सोच रही हूँ। जानते हो, योगा करने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। ऑफिस जाने से पहले सुबह 1 घंटे योगा कर लूंगी और उसके बाद ऑफिस निकल जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, माँ बाबा भी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, माँ और पिताजी तो हर दिन घर में योगा करते ही है, मैं भी उनके साथ थोड़ा टाइम योगा कर लूंगी।
और तो और स्मिता उस दिन बता रही थी कि हमारी ऑफिस में योगा दिवस के दिन माँ और पिताजी को निमंत्रण करेंगे। ऑफिस में? हाँ, हमारी ऑफिस में योगा दिवस की आयोजन कर रही है और उसके लिए उन्हें एक योगा एक्सपर्ट की जरूरत है। तब मैंने माँ और पिताजी के बारे में उन्हें बता दी है और स्मिता भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी माँ जी और पिताजी के साथ घर में ही योगा क्लासेस शुरू करूँगी। यानी कि माँ बाबा के योगा के गुणों के बारे में अब लोगों में भी चर्चा हो रहे हैं। स्मिता, माँ जी पूछ रही थी कि योगा दिवस के दिन वो क्या पहनेंगे। अरे आंटी तो सलवार कमीज पहन सकती है, बाकी ऑफिस के लोगों में मैंने ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहनने के लिए बता दिया है। एक्चुअली माँ जी इस फंक्शन को लेकर बहुत ही नर्वस है, पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। अरे अर्चना, मैं जब उस दिन अंकल आंटी से मिली मैंने तो उनको पूरी बात बताया भी नहीं। पता है यहाँ आने के लिए अंकल आंटी को अच्छे खासे अमाउंट मिलेंगे। क्या उनको रुपया भी मिलेगा? और बॉस ने ये भी कहा है कि अगर ये फंक्शन ठीक ठाक गया तो अंकल को परमानेंटली अपॉइंट करेंगे और ऑफिस में योगा प्रैक्टिस रखेंगे और तब अंकल को रेगुलर सैलरी मिलेगा। अरे स्मिता, इतनी अच्छी खबर दी तूने। ये खबर अगर पिताजी सुनेंगे वो तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। और नहीं तो क्या, हर विद्या का एक मोल होता है और वो यहाँ आएंगे हमारे निमंत्रण पर सिखाने के लिए। कुछ से सम्मान हमें भी करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब पिताजी भी रिटायर्ड हो गए हैं, अपनी पेंशन के पैसे से कितने दिन चलेंगे, इसलिए घर के सारे खर्चे सुमित और मुझे ही उठाने पड़ते हैं। इन पैसों से पिताजी को तो बहुत ही फायदा होगा। लेकिन ये पैसों की बात मैंने उस दिन अंकल के साथ डिस्कस नहीं की, मुझे लगा उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। हाँ, ये तूने अच्छा किया, नहीं तो पिताजी कभी भी यहाँ आने के लिए राजी नहीं होते। जो भी हो, बस ये फंक्शन ठीक ठाक निकल जाए तब तो तेरी प्रमोशन भी पक्की। गुड मॉर्निंग रिंकी। गुड मॉर्निंग। आज तो संडे है ना, आज तो आपका ऑफिस नहीं है, आज तो आप मुझे पार्क में लेके जाओगे? जरूर, आज हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। पार्क में जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ढेर सारा बैलून खरीदेंगे। लेकिन इन सब से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना पड़ेगा। हाँ, मैंने कल ही अपना होमवर्क कर लिया था। वैसे तुम्हारा दादू दादी कहाँ है? उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया? दादू योगा करने गए है। योगा करने के लिए? मीनू, बाबा योगा करने के लिए कहाँ गए हैं? हमारे पास में जो योगा सेंटर है वहाँ गई है। पापा, दादू वहाँ योगा सिखाते हैं ना, आज उन्हें वहाँ प्रेजेंट मिलेगा। अच्छा, प्रेजेंट? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से खत्म करो, हमें घूमने भी तो जाना है और दादू के पास भी तो जाना है ना। खत्म करो। मेरे प्यारी दोस्तों, सुप्रभात। आज योग दिवस के अवसर पर आप सभी को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच आज एक ऐसा शख्सियत है जो कि योग के साथ आज से नहीं 35 सालों से जुड़ा हुआ है और सबके परिचित वरुण बोरुआ जी है। आज इस शुभ अवसर पर थोड़ा सा हम प्यार और सम्मान देना चाहेंगे एक फुलाम गामोसा के साथ। होई क्या, अब दीजिए। मैं बरुआ जी को आह्वान करता हूं कि वे योगा के बारे में दो शब्द कहें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज सभी को हार्दिक स्वागत है
आज के इस विशेष कार्यक्रम में आज योगा दिवस है और आप सभी जानते हैं कि योगा का महत्व हमारी जिंदगी में कितने हैं। योगा सिर्फ आपके तन के लिए ही नहीं, मन को भी सतेज बनाती है, आपकी पूरी जिंदगी की धारा को बदल देती है। आप लोग सभी जानते हैं आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में योगा का अहम भूमिका है। लंबे समय तक कंप्यूटर में काम करने से आप लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस जैसी बीमारियां हो सकती है। अगर आप नियमित रूप से योगा करेंगे तो ये बीमारियां कभी आपको छू भी नहीं सकती और साथ साथ अन्य बीमारियां भी होने का चांस बहुत कम है। इसलिए आप इस योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और एक संपूर्ण जीवन का आनंद उठाइए। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अब हम सभी मेट पर बैठ जाएंगे और योगासन शुरू करेंगे जो बुरुआ जी हमको सिखाएंगे। आगे आइए। अर्चना, पिछले कुछ दिनों में मैंने घर पर रहकर बहुत सारे चीजें सीखी हैं। जैसे? जैसे कि किसी को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, रिंकी का स्कूल जाना आना, मीनू के साथ उसका खेलना, ट्यूशन टीचर के साथ उसका होमवर्क करना और माँ बाबा के साथ उसका योगासन करना। और मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये तुमने सोचा था? हाँ, तुम जो हमेशा कहते रहते हो कि तुम्हारे लिए मेरे पास पहले जैसा टाइम नहीं रहा, तुम्हारे लिए मैं पहले जैसा रोमांटिक नहीं रहा, माँ बाबा को इस उम्र में भी इस तरह हंसी मजाक करते हुए देखकर मैं बहुत आश्चर्य हो जाता हूँ। इस उम्र में भी इतना प्यार, रियली दे आर मेड फॉर ईच अदर। अरे मेरे पास इतना टाइम ही कहा है, हंसी मजाक तो छोड़ो, तुमसे दो बातें करने के लिए, प्यार की दो शब्द सुनने के लिए, तुम्हारी आंखों में अपने सपनों को देखने के लिए मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। सिर्फ तुम तो सांदे के दिन मेहमान की तरह घर में रहते हो। आई एम सॉरी अर्चना,
आगे से मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा। मृदुला, आज अर्चना का ऑफिस का प्रोग्राम कितना अच्छा हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था अर्चना की ऑफिस इतनी बड़ी है और सब लोग उसके इतने फिकर करते हैं। और तो और, मुझे अपने बहू पर नाज है। और सभी ने हमारी कितनी सहयोग किया, कितने सवाल पूछे, ये देखकर तो और अच्छा लगा। आपके निर्णय सही था, हमको वहाँ जाकर कितने नए लोगों से मिलने के मौका मिली है। शायद यही हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। कई जगहों से हमें बुलावा आ रहा है। मैंने सोचा था कि मैं घर में ही एक योगा सेंटर खोलूंगा, लेकिन अब अगर लोग हमें ऐसे ही बुलाते रहे तो हम लोगों को योगा के गुणों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। ठीक कहा। और एक पते के बाद बताओ। हा? अरे उन लोगों ने मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं। अच्छा। और देखो ना, जो योगासन मैंने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया करता था, आज वही विद्या मेरे कितने काम आ रहे हैं और दूसरों को भी जीने की राह दिखा रहे हैं। अर्चना, तुम्हारी योगा क्लास कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। और जानते हो स्मिता, सुमित भी आजकल योगा करने लगी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच बात बताओ स्मिता, योगा करने की बात ही हमें एहसास हुआ है कि योगा सिर्फ स्वस्थ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि समाज में एकता लाने के लिए भी बहुत ही जरूरी है। योगा दिवस के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि योगा करने से हमारे जीवन में भी बदलाव आ सकती है, इसीलिए मैंने भी योगा करना शुरू कर दिया है। मेरी जो मामा की लड़की है ना स्वीटी, वो आजकल फिल्म लाइन में काम करती है। वही मुझे बता रही थी कि फिल्म लाइन के सभी अभिनेता अभिनेत्री योगा करते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं भी उससे मिलकर योगासन करना सीख लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हम अपने काम में और ज्यादा मन लगा कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। दिशा में